तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फूलों में रंग कैसे उत्पन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि फूल अलग अलग रंग के होते हैं और फूलों में अलग अलग खुशबू होती है। तो चलिए जानते हैं, फूल एक ऐसी चीज होती है जो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी को लुभाते हैं। अलग अलग रंग के फूल हर किसी का मन मोह लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि फूल रंग बिरंगे क्यों होते हैं? क्या केवल हमारे कीट पतंगों के काम आने के लिए फूल की पंखड़ियां रंग बिरंगी होती है? तो फूलों के ये जो रंग होते हैं इंसानों या कीट पतंगों को लुभाने के लिए ही होते हैं। वैसे आम लोगों की सोच यह होती है कि पौधों के लिए जो क्लोरोफिल होता है सबसे जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं की मदद से पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के रूप में तैयार होते हैं। तो फिर दूसरे रंगों का क्या काम? तो देखिए, जो वो फ्लावर होता है उसमें जो मेल पार्ट होता है जिसे हम गैमेट्स कहते हैं, ये जब फीमेल पार्ट्स तक पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं, मतलब परागण। जब ये पॉलिनेशन होता है तो ये हमारा वाटर, एयर या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। तो जब ये होता है तो जब मादा पुष्प मतलब जो फीमेल फ्लावर होता है तो वो चटकीले रंग या खुशबू से आकर्षित हो जाता है और उसमें अलग प्रकार के रंग आते हैं। अगर बात की जाए फूलों में सुगंध की, तो अलग अलग रंग में अलग अलग रंगों के फूलों में अलग अलग प्रकार की खुशबू होती है, क्योंकि इनके अंदर जो इनके कार्बोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसके कारण क्या होता है सब फूलों के अंदर सुगंध अलग अलग प्रकार की होती है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।